भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में आज तीसरे दिन 8वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में साहित्य और मीडिया जगत से जुड़े देश विदेश से अतिथि गण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में शिरकत करने वाले डॉक्टर नीरज ए शर्मा पलाऊ गणराज्य, आर के सिंह पूर्व इंजीनियर AIR, तेजेंद्र शर्मा लेखक, विनयशील गौतम प्रसिद्ध लेखक आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि गण को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आशा शैली द्वारा लिखी गई किताब रत्नी एवं अन्य कहानियां का विमोचन किया गया। ICMEI के संस्थापक संदीप मारवा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और खुशी जाहिर की कि आज बहुत ही खास दिन है। आज कुछ जाने माने लोगों को उनके काम की वजह से उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड आर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र में दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत खास है। इस अवार्ड को पाने के लिए लोग कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। जो लोग दिन रात एक करते हैं, अपने काम से प्यार करते हैं, कभी किसी काम के लिए बहाने नहीं बनाते, ऐसे लोग जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं। कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया, जिसमें पहला नाम डॉक्टर राम शरण गौड़ है और दूसरा नाम आशा शैली का है। कार्यक्रम में आर्ट कल्चर को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड भी दिया गया है। इनमें शामिल सतीश आनंद थिएटर कलाकार, BL गौर प्रसिद्ध कवि, HH बिक्खू संघ सेना संस्थापक अध्यक्ष महाबोधि, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी प्रसिद्ध कवि, VSK सूद संस्थापक संगम कला ग्रुप, डॉक्टर रेखा मेहरा कथक एक्सपोनेंट, रघु व्यास काल्पनिक एहसास चित्रकार, तेजेंद्र नारायण मजूमदार भारतीय संगीतकार, दीपक घोष प्रसिद्ध चित्रकार, अनु सिन्हा कथक नृत्य, इन्हें पुष्पगुच्छ शॉल ट्रॉफी और अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी कोई अप्रोच नहीं है, मुझे कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। उस स्थिति में जब संदीप मारवाहा जी ने ये मेरा चयन किया तो मेरे लिए तो सचमुच में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लोग सिफारिशें करते हैं, अप्रोचें लड़ाते हैं, पैसा खर्च करते हैं और तब वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं और मैं तो बिना कुछ किए लिए यहाँ पर पहुँच गई हूँ, इसलिए मेरे लिए तो बहुत बड़ा ये सरप्राइज़ है। आप सबका बहुत बहुत पहले तो आभार धन्यवाद और कि मुझे आपने दो शब्द बोलने का अवसर दिया। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के लिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, क्यों सभी जगह से ही पता लग रहा था कि थोड़े अभी सीनियर सिटीजन जो हैं उनको ही अवार्ड दिया जा रहा है, उन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग पिछले कोरोना में पहले समय से पहले चले गए तो उन सभी को ये अवसर नहीं मिला। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी की निगाह और सोच इधर है कि सीनियर सिटीजन को अवार्ड दिया देना चाहिए। तो हम लोग तो खैर अपने काम कर रहे हैं, काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये बीच बीच में इस तरह का मोटिवेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा लगता है। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज तीसरा दिन है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तीसरा दिन जो है ये महान दिन है। तीसरा दिन होता है वो हमेशा दो दिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और आज का इस सारे कार्यक्रम में अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो रहा वो रहा अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये हम लोगों ने 5 साल पहले अवार्ड शुरू किया था और देश का ये पहला वो अवार्ड है जो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया। अब जो भी अवार्ड बना होगा वो हमारे अवार्ड के बाद ही बना, ऐसा मेरा मानना है। और आज देश भर से आए हुए महान कलाकारों को संगीत से, साहित्य से, पेंटिंग से और विभिन्न कलाओं
से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को हमने यहाँ पर 9 लोगों को सम्मानित किया है, और जिस उनको सम्मानित करने से हमारी भी गरिमा जो है आज बढ़ी है। इट्स वाज ग्रेट ह्यूज सक्सेस। वी कैन फील दैट एटमॉस्फेयर टुडे वाज सो अमेजिंग। आई कैन फील myself like in paradise, because to feel literature is the most sensitive. You should make some very subtle test when you read some literature text. And today I mentioned that actually, frankly speaking, India is a motherland of all spirituality and motherland of literature, because we cannot compare any writer in the world, even William Shakespeare, with Veda Vyas, for example, who create Mahabharata, or with Valmiki, who create Ramayana. And that I'm very proud to be here with you. And I mentioned that Fyodor Dostoevsky told that beauty will save the world, but we have two beauties: beauties outside and beauty inside our heart. And when we develop beauty inside our heart, our beauty of our soul can help us recognize beauty outside. डॉक्टर राम शरण गौर, आज का जो ये समारोह है सम्मान उत्सव अपने में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उसका कारण है कि यह जो सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, और वह अत्यंत ही विश्व में प्रसिद्ध रहे हैं अपनी सरलता, अपनी सहजता, साहित्यकारों का सम्मान करने वाले, और इसके साथ ही भारतीय संस्कृति के संरक्षक। इट इज माय ग्रेट प्रिविलेज टू be part of this historic literary festival held here in Noida under the dynamic leadership of Dr. Sandeep Marwa. Yes, Lord Buddha said, you know, I was participating in this award presentation ceremony, Atal Bihari Vajpayee award presentation ceremony. Lord Buddha says, Puja cha puja niyanam etang mangala muttamang. You know, that means honoring those who are worthy of honor brings great blessings. This is what Dr. Sandeep Marwa have done.